तो मुर्गी मैंने अभी बाहर निकाल दी है, अपने बच्चों को लेकर मज़े से घूम रही है, और मैं इसके लिए चावल लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों को मैं कुछ खिला देता हूँ, बेचारे भूखे थे, सुबह से बंद थे। अब खोला है मैंने, तो चलिए इन्हें कुछ खिलाता हूँ। पहले मैं चलिए मैं चावल डाल देता हूँ बच्चों को ही, इनकी माँ खिला देगी इन्हें। खिला रही है, देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। मैंने मुर्गी बाहर निकाल दी है, सुबह से बंद थी, अब बच्चों को कुछ खिलाने के लिए बाहर निकाला है। चलिए कुछ ना कुछ तो खा ही लेगी और बच्चों को भी कुछ खिला देगी। बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, पहली बार देखे हैं मैंने इतने छोटे बच्चे। ऐसे ऐसे बेंटम होती है छोटी नस्ल की मुर्गी, उसके बच्चे जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े बच्चे हैं ये। हालांकि इतने छोटे नहीं होने चाहिए थे, फिर भी बहुत छोटे बच्चे हैं ये। ऐसा लगता है जैसे बेंटम मुर्गी होती है उसके बच्चे हों। अभी मुर्गी बच्चों को यहाँ कैसे मिट्टी में पैर मारते हैं तो वो सिखा रही है। देखिए सब सिखाया कितना कुछ, माशाल्लाह हमारे छोटे छोटे से चूजा। और इस बच्चे की आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जब ये निकल रहा था ना अंडे में से, तो इसकी आँख में सिल्की के बच्चे की मिट्टी घुस गई थी, उसकी वजह से अब भी उसका ऐसी सीन है। देखिए आप ये वाली आँख इसकी। तो किसी को कोई इलाज पता हो तो बताना, मैंने इसे कपड़ा लगा कर साफ भी करा था गीले पानी से। मुझे लगता है ये प्यासे हैं तो इन्हें पानी भी चलिए डालना ज़रूरी है। तो मैं किसी छोटी सी चीज़ में पानी लेता हूँ, कोई बॉटल का कैप ही ये रहा, इसमें पानी भरते हैं हम। इसका क्या हाल हुआ हुआ है, ओहो नज़र हटी, दुर्घटना घटी है। देखिए ये मारने के लिए जा रहा था मुर्गी को, बच्चों को, इसे यहाँ से भगाया जाए तभी सही रहेगा। तो चलिए मैं, पानी भी आ गया है और पानी का ही मुझे काम था, तो पानी की लीकेज हो रही है यहाँ से, इसको भी बंद करते हैं हम। पहले साफ पानी भर लूँ मैं, किस चीज़ में भर रहा हूँ मैं, वो पी रहे हैं बच्चे, उससे पहले तो मुझे काटेगी ये। तो पानी रख दिया है मैंने, उम्मीद तो ये है छोटे छोटे से चूजे हमारे पी लेंगे पानी। उसे तो नज़र ही नहीं आ रहा अब काले वाले को, उसकी एक आँख साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन माँ पी रही है तो शायद बच्चे भी पी लें। ये तो पी रहा है माशाल्लाह पानी, माँ ने तो एक बार में सब पानी ख़त्म कर दिया इनकी। बड़े वाले बर्तन में पानी लेकर आता हूँ मैं, इसमें तो ये ख़त्म कर दे रही इसकी माँ पी पी कर। और ये मारने के लिए यहीं पर खड़ा है मुर्गा, तो चलिए मुर्गी तो बच्चों को अपने खिला रही है, पिला रही है मज़े से। और बड़े वालों के क्या हाल हैं उनके भी हाल देखते हैं हम। तो एक बच्चा तो ये रहा, ये देखें यहाँ पर क्या कर रहा है ये, और पूरी बची हुई टीम यहाँ पर है। अच्छा अब ये लोग सब साथ में रहने लगे, इन लोगों ने टीम प्लान बना रखा है कि हम सब मिलकर छोटे वाले बच्चों को मारेंगे, उन छोटे वाले बच्चों को इस सब मिलकर मारेंगे, इसलिए अभी सब टीम की तरह काम कर रहे हैं एक साथ रह रह कर। और ये देखें यहाँ पेड़ का क्या हाल हो चुका है, धूप की वजह से पानी सूख गया गमले में, जिसकी वजह से हमारा दूसरा वाला पेड़ मुरझा गया है। और बताऊं आप लोगों को कि अमरूद भी हमारे पेड़ में लगभग तीन चार ही बचे हैं, एक हेरा और एक आध दो ऊपर की साइड और हैं, बचे हुए मैंने तोड़ लिए और आधे से ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है या मुझे कुछ बताना है
तो आपकी स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक की आईडी शो हो रही है। आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना, और जो भी आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हैं, और साथ साथ कमेंट बॉक्स भी है यहाँ पर यूट्यूब पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मुर्गी के बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, क्या बात। इसके पैर पर क्या हो जाता है, ये बार बार अपना पैर पकड़ कर चिल्लाने लगता है, क्या हो जाता है, ऐसा क्या है इसके पैर में, कोई परेशानी की बात कुछ तो, क्यों ऐसा करता है ये। उसकी आंख देखिए आप, ये दूसरी वाली आंख, इसमें भी कुछ हो रहा है, और ये वाली आंख देखिए आप। इस आंख का इसका मैं क्या करूं, बेचारे का। चलिए इसको मैं वापस नीचे रख देता हूँ, और जगह पर मैंने यहाँ पर सब में पानी लगा दिया है, एक हद तक पानी लग चुका है। थोड़ी जगह देखिए आप कितनी सही हो गई है, सफाई होना बाकी है, और जितनी सूखी यहाँ से मिट्टी रेत थी धूल वो सब यहाँ गीली हो चुकी है। और देखिए फिर चिल्ला रहा है, इसका कुछ ना कुछ इलाज मुझे करना ही पड़ेगा, इसकी आँख में दर्द हो रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं मैं। इस बच्चे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसकी पहले आँख सही करता हूं, साफ़ करता हूं। तो इसीलिए बस इस वीडियो को यहीं पर मुझे ख़त्म करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।